हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम एनाटॉमी, एंकल जॉइंट। आज पढ़ेंगे बीडी 84 से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि एंकल जॉइंट की टाइप क्या होती है। सो दिस इज द साइनोवियल वैरायटी ऑफ जॉइंट और इट इज द हिंज वैरायटी। जैसे आपने हिप जॉइंट में पढ़ा था विच इज अ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी, जिसमें एक सॉकेट था और उसके अंदर बॉल था विच वॉज द हेड ऑफ द फीमर। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इट्स अ हिंज टाइप ऑफ जॉइंट, यानी कि जिसमें मूवमेंट लिमिटेड प्लेन्स में अवेलेबल है। सर्कुलर मूवमेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह पॉसिबल नहीं है। सो आपको टाइप ऑफ एंकल जॉइंट पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे आर्टिकुलर सरफेसेस की। अच्छा, कोई भी जॉइंट जब पढ़ते हैं तो उसमें ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि उस जॉइंट की फॉर्मेशन कौन कौन सी सरफेसेस से मिलकर होती है। सो एंकल जॉइंट जो कि आपका टखना बेसिकली है, कहाँ एंकल जॉइंट, ये आपको इसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए बॉस, कि अगर ये आपका लेग है और ये आपका फुट है, सो दिस इज योर फुट, सो दैट पार्ट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंकल जॉइंट। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन आपको पता होगा है क्या एंकल जॉइंट। अब इसमें क्या क्या सर्फेसिस हैं। सो देयर इज एन अपर आर्टिकुलर सर्फेस एंड ऑब्वियसली देयर इज एन इन्फीरियर यानी लोअर आर्टिकुलर सर्फेस, यानी ऊपर से कुछ बोन्स होंगी, कुछ पार्ट्स होंगे और नीचे से कुछ पार्ट्स होंगे। सो अपर आर्टिकुलर सर्फेस क्या है, इट इज फॉर्म बाय द लोअर एंड ऑफ टीबिया इंक्लूडिंग द मीडियल मेलोलस, द लेटरल मेलोलस ऑफ फिब्यूला, यानी टीबिया, फिब्यूला और इन्फीरियर ट्रांसवर्स टिबियो फिब्यूलर लिगामेंट। अब जरा मैं आपको डायग्राम में ये बात दिखा के ना समझाता हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज। ये इस वक्त जो डायग्राम आपके सामने है, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द एंकल जॉइंट, यानी ये जो बोन ऊपर से आ रही है दिस इज द टिबिया, ये टिबिया का लोअर पार्ट है और ये मीडियल मेलोलस है। सो लोअर पार्ट ऑफ टिबिया एंड मीडियल मेलोलस, इसी तरह फिब्यूला का लोअर पार्ट एंड लेटरल मेलोलस, और टिबिया और फिब्यूला के दरमियान ये जो लिगामेंट है विच इज कॉल्ड इन्फीरियर ट्रांसवर्स टिबियो फिब्यूलर लिगामेंट। अगर आप इस पूरे नाम को देखें तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इन्फीरियर क्योंकि ये इन्फीरियर साइड पे है टिबिया के, ट्रांसवर्स क्योंकि ये इस तरह पड़ा हुआ है, टिबियो फिब्यूलर यानी ये टिबिया और फिब्यूला के बीच में। तो ये तीन चीजें मिलकर, तीन चीजें क्या क्या, मैं दोबारा बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एंकल ज्वाइंट का जो अपर पार्ट है वो किन बोन से बनता है। सो अपर पार्ट पे नंबर वन देयर इज टिबिया और मिडिल मेलोलस, नंबर टू देयर इज फिब्यूला एंड लेटरल मेलोलस, एंड नंबर थ्री इज दिस ट्रांसवर्स लिगामेंट। ओके, तो ये तीन चीजें मिलकर बनाती हैं एंकल जॉइंट का अपर पार्ट, और एक्चुअली ये तीनों मिलकर एक सॉकेट टाइप की चीज बना रही है। देखें, देयर इज अ कॉनकेव सर्फेस, एक सॉकेट, डीप सॉकेट सा बन जाता है। इस सॉकेट के अंदर फिक्स होती है एक और बोन जो कि इन्फीरियर पार्ट होगा, और ये दोबारा चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। सो अपर आर्टिकुलर सर्फेस, अब बात समझ में आ रही है क्या क्या था। अपर आर्टिकुलर सर्फेस का पहला पार्ट है टिबिया का लोअर एंड मिडिल मेलोलस के साथ, लेटरल मेलोलस, फिब्यूला और ये लिगामेंट। अब ये तीनों स्ट्रक्चर, ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स मेक अ डीप सॉकेट। ठीक है, इन्फीरियर जो आर्टिकुलर सर्फेस है वो किस चीज से बनती है, इट इज फॉर्म्ड बाय अ बोन विच इज कॉल्ड टैलस। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम अगेन, सो वन टू एंड थ्री ये मिलकर बना रहे हैं अपर पार्ट ऑफ द एंकल जॉइंट, और यहां नीचे जो बोन होगी दिस इज द टैलस, तो ये बनाएगा लोअर पार्ट। तो यहां इन सब के दरमियान जो ज्वाइंट बनेगा दिस इज नोन एज द एंकल ज्वाइंट। इस डायग्राम को देखिए, दिस इज द मीडियल व्यू, मीडियल व्यू है तो ये टिबिया बोन होगी और ये उसका मीडियल मेलोलस होगा, और ये जो नीचे बोन है देखें, दिस बोन इज द टैलस, दिस हेड ऑफ टैलस, सो दिस बोन इज द टैलस। सो ऊपर से टिबिया, फिब्यूला और ये लिगामेंट, और नीचे से टैलस, ये मिलकर बनाते हैं एंकल जॉइंट। इसीलिए आपको ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि व्हाट आर द आर्टिकुलर सर्फेसेस। ठीक है, नाउ वन थिंग व्हिच वी शुड पे अटेंशन टू कि ये जो जॉइंट है एंकल जॉइंट, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट। अच्छा, ये क्यों स्ट्रॉन्ग है, व्हाई इज द जॉइंट वेरी स्टेबल, द रीजन बीइंग मैंने आपको भी बताया कि देयर इज एक्चुअली अ सॉकेट फॉर्मेशन जिसके अंदर टैलस जो है वो पूरी बोन फिट होती है। सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी कॉन्ग्रुएंस ऑफ द सर्फेसिस की वजह से ये बड़ा स्टेबल ज्वाइंट है। ठीक है, सो देयर इज एन इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि एक सरफेस इस तरह से बनी हुई है और दूसरी बोन उसके अंदर इस तरह से आके फिट हो, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं कि देयर वाज अ सॉकेट इन द हिप बोन एंड देयर इज अ बॉल विच वॉज द हेड ऑफ द फीमर, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल ज्वाइंट इस वजह से हो जाता था बिकॉज देयर वॉज अ बॉल एंड अ सॉकेट। कॉन्ग्रुएंस सर्फेसिस की बड़ी अच्छी है, कंपैटिबल है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी जो अपर पार्ट है, जो अपर आर्टिकुलर सर्फेस है एंकल ज्वाइंट की, जो टिबिया, फिब्यूला और लिगामेंट से बनती है, इट्स काइंड ऑफ अ सॉकेट एंड टैलस इज वेरी नाइसली फिटिंग। सो इंटरलॉकिंग फिनोमिना है,
इस वजह से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। फिर दूसरी बात यह कि वेरी स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट्स, अभी मैं आपको लिगामेंट्स पढ़ाऊंगा, कैप्सूल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है और एंकल ज्वाइंट के लेटरल साइड पर और मीडियल साइड पर दोनों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स भी मौजूद हैं, सो उन लिगामेंट्स की वजह से भी स्टेबिलिटी मिलती है। अच्छा, फिर एडिशनल एक फीचर यह है कि देयर आर टेंडन्स व्हिच क्रॉस द ज्वाइंट, 4 इन फ्रंट, 3 ऑन द पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट एंड 2 ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट। यानी इफ यू लुक एट द डायग्राम 12.17, सो दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, सो देयर आर 4 टेंडन्स बेसिकली व्हिच आर ट्रैवलिंग इन फ्रंट ऑफ द एंकल ज्वाइंट एंड 2 ऑन पोस्टीरियर लेटरल, 2 ऑन पोस्टीरियर मीडियल काइंड ऑफ थिंग। सो ये जो सारे लिगामेंट्स क्रॉस करते हैं, इन लिगामेंट्स की वजह से भी स्टेबिलिटी मिलती। तो ये जो पूरा ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट, इट्स वेरी मच स्टेबल ज्वाइंट बिकॉज ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द सर्फेसिस ऑफ द बोन्स, बिकॉज ऑफ द मीडियल एंड लेटरल लिगामेंट्स विच आर प्रेजेंट एंड बिकॉज ऑफ द टेंडन्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इट्स प्रीटी स्टेबल ज्वाइंट। बट एनी हाउ, और फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि डेप्थ ऑफ द ज्वाइंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑब्वियसली द मीडियल एंड द लेटरल मेल्यूलाई, यानी टीबिया और फिब्यूला से, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइज ऑफ द टैलस, सो दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी। ठीक है, हाउ एवर यू शुड ऑल्सो नो, ये जो मैंने आपको भी बताया ना कि यहाँ पे टेंडन्स हैं, देर आर 4 टेंडन्स इन फ्रंट फॉर एग्जाम्पल, ऑल दो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्टेबिलिटी, बट इन टेंडन्स के एक्सेसिव पुल की वजह से जो बोन्स हैं वो फॉरवर्ड मूव कर सकती हैं, सो देर कैन बी अ फॉरवर्ड पुल ऑफ द टेंडन। ठीक है, इसकी वजह से डिसलोकेशन एक्चुअली हो सकती है एंकल ज्वाइंट की। और अगर पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी बहुत ज्यादा प्लैंटी फ्लेक्शन है या इन्वर्जन है या इवर्जन है, तो एंकल ज्वाइंट पे अगर एक्सेसिव मूवमेंट्स हैं उसकी वजह से भी डिसलोकेशन हो सकती है। सो ऐसा नहीं है कि डिसलोकेशन पॉसिबल नहीं है एंकल ज्वाइंट पे, बट बाय एंड लार्ज इट्स अ वेरी वेरी स्टेबल ज्वाइंट। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज हमको स्टडी करनी है एंकल ज्वाइंट में, दीज आर द लिगामेंट्स ऑफ द एंकल ज्वाइंट। किसी भी ज्वाइंट में जो इमीडिएट उसकी कवरिंग होती है, दैट इज द फाइब्रस कैप्सूल, और एंकल ज्वाइंट के केस में भी इसी तरह है, द बोन्स आर ऑल रैप्ड अप इन द फाइब्रस कैप्सूल, और फिर एक मीडियल साइड पे लिगामेंट है जिसका नाम है डेल्टोइड लिगामेंट, और एक लेटरल साइड पे लिगामेंट है इसका नाम है लेटरल लिगामेंट। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स। तो वन बाय वन इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। फाइब्रस कैप्सूल बेसिकली सराउंड्स द ज्वाइंट, बट इट इज वीक एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, यानी एंटीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे जहां पे टेंडन्स होते हैं, और वहां ये कंप्लीटली रैप नहीं करता, पर्टिकुलरली पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट्स पे, एंटीरियर इन्फीरियर एस्पेक्ट्स पे, तो यहां पे गैप्स हैं, और ये इन एरियाज पर जो कैप्सूल है इट इज अ लिटिल वीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और सिनोवियल मेम्ब्रेन है ऑब्वियसली लाइनिंग द कैप्सूल, सो नथिंग वेरी फैंसी अबाउट कैप्सूल हियर। जैसे हर जॉइंट में होता है, बिल्कुल ऐसे एंकल जॉइंट में भी है कि देयर इज अ कैप्सूल सराउंडिंग द बोन्स टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ओके, सो दैट्स द थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द कैप्सूल। देन देयर इज अ मीडियल लिगामेंट, इसका दूसरा नाम है डेल्टोइड लिगामेंट, ऑब्वियसली ये मीडियल साइड पर मौजूद होगा। इंपॉर्टेंट इसकी बात यह है कि द लिगामेंट इज डिवाइडेड इनटू द सुपरफिशियल फाइबर्स एंड डीप फाइबर्स, इसके सुपरफिशियल पार्ट है और डीप पार्ट है। ठीक है, और इन दोनों सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू द एंकल ज्वाइंट। ठीक है, सो इफ आई शो यू द डायग्राम, सो हेयर फॉर एग्जाम्पल इज द मीडियल लिगामेंट जिसका नाम डेल्टोइड लिगामेंट भी है। यू कैन सी कि इसके तीन बेसिकली पार्ट्स हैं, इस तरफ जा रहा है ऊपर, सो ये सारे के सारे ऊपर अटैच होते हैं टिबिया के साथ, और नीचे फिर ये जिस बोन पे अटैच हो रहे हैं उसके हिसाब से इसका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज टिबियोनेविकुलर पार्ट ऑफ द सुपरफिशियल मीडियल लिगामेंट। टिबियोनेविकुलर क्यों? क्योंकि टिबिया पे अटैच है और नेविकुलर बोन पे अटैच है। फिर है टिबियो कैल्केनियल पार्ट, यानी टिबिया पे अटैच है और कैल्केनियम पे अटैच है। एंड देन देयर इज टिबियो टैलर पार्ट, यानी टिबिया पे अटैच है और टैलस पे अटैच है। सो बेसिकली जो मीडियल लिगामेंट है इट इज डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल, इसके फाइबर्स हैं एंड देयर आर डीप फाइबर्स। जो सुपरफिशियल फाइबर्स हैं उनके नाम सबके नामों में टिबियो से शुरू होता है, बिकॉज ये सब टिबिया पे अटैच होते हैं, और फिर जिस बोन पे जा रहा है उस बोन का नाम आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, सुपरफिशियल के तीन पार्ट्स क्या क्या हैं? टिबियो नेविक्युलर, टिबियो कैल्केनियन एंड टिबियो टैलर। ठीक है, फिर जो डीप पार्ट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटीरियर टिबियो टैलर पार्ट, यानी टिबियो और टैलर पार्ट, दीज आर द डीप फाइबर्स, इज अटैच टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडिल सर्फेस ऑफ द टैलस। ठीक है, सो सुपरफिशियल फाइबर्स एंड डीप फाइबर्स, इन सबके नाम अकॉर्डिंगली हैं, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि
दिस प्रोवाइड बिग टाइम स्ट्रेंथ टू द एंकल ज्वाइंट, ठीक है। इनके नाम याद आपको रखने हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता चले कि कौन कौन सी बोन्स के दरमियान ये लिगामेंट मौजूद होता है। सो इजी टू रिमेंबर, बेसिकली टिबिया और नेविक्युलर है तो टिबियो नेविक्युलर, टिबिया और कैल्केनियम है तो टिबियो कैल्केनियम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो डेल्टॉइड लिगामेंट इज द मीडियल लिगामेंट। कैप्सूल की बात हो गई, डेल्टॉइड लिगामेंट की बात हो गई, अब बात करते हैं लेटरल लिगामेंट की। सो तीन ही चीजें याद रखनी थी, नंबर वन वॉज द कैप्सूल, नंबर टू वॉज द मीडियल लिगामेंट, एंड नंबर थ्री वॉज द लेटरल लिगामेंट। सो लेटरल लिगामेंट जो है उसके भी तीन बैंड्स हैं। देयर इज एन एंटीरियर टैलो फिब्युलर लिगामेंट, टैलस और फिब्युला के दरमियान होगा। द अदर वन विल बी टैलो फिब्युलर बट ऑन द पोस्टीरियर साइड, एंड देन देयर इज अ कैल्केनियो फिब्युलर। सो दिस इज द डायग्राम, देखें तीन पार्ट्स, एक दो और तीन। एंटीरियर टैलो फिब्युलर, टैलस और फिब्युला के दरमियान, पोस्टीरियर साइड पे है टैलो फिब्युलर, पोस्टीरियर टैलस और फिब्युला के दरमियान, एंड कैल्केनियो फिब्युलर, कैल्केनियम और फिब्युला। तो नाम से पता चल रहा है, तो बेसिकली टोटल मिला के बात ये हुई कि देर इज अ कैप्सूल जो बोन्स को सराउंड करेगा, देर इज अ मीडियल लिगामेंट जिसके सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स हैं, एंड देन देयर इज अ लेटरल लिगामेंट जिसके तीन पार्ट्स हैं, और ये तीन पार्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, नाउ रिलेशनशिप्स एंकल ज्वाइंट के। एंटीरियर साइड पे फ्रॉम मीडियल टू लेटरल देयर आर, ये देखें इंपॉर्टेंट है, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हैलोशियस लॉन्गस, एंटीरियर टिबियल वेसल्स, डीप पेरोनियल नर्व। सो इफ यू लुक एट डायग्राम 12.17 व्हिच इज समवेयर अप देयर, सो हियर यू लुक, सो दिस इज अ डायग्राम टू शो यू द रिलेशनशिप्स ऑफ द एंकल ज्वाइंट। दिस बोन इज द टैलस, दिस इज द टिबिया, एंड दिस इज द फिब्युला। सो दिस बेसिकली इज द मीडियल साइड, दिस इज द लेटरल साइड, और ये एंटीरियर पोर्शन है पूरा एंकल ज्वाइंट का। सो यहां पर जो एंकल ज्वाइंट है, दैट्स द एंकल ज्वाइंट। एंटीरियरली मीडियल साइड से अगर स्टार्ट करें तो टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हैलोशियस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, पेरोनिस्टर्शियस, सो ये सारे एंटीरियर रिलेशनशिप्स हैं। ओके, सो इफ यू वांट टू, दिस इज नॉट वेरी हाई यील्ड फॉर द एग्जाम्स, बट इफ यू वांट टू रिमेंबर, दैट्स द वे टू रिमेंबर इट। पोस्टीरियर मीडियली क्या क्या चीजें मौजूद हैं उनके नाम यह लिखें, पोस्टीरियर लेटरली क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर, सो पोस्टीरियर मीडियली, पोस्टीरियर लेटरली, ओके, सम एग्जामिनर्स आस्क इट, इफ यू वांट टू रिमेंबर स्पेंड सम टाइम एंड रिमेंबर दिस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एट द एंकल ज्वाइंट। हर ज्वाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि उसमें कौन कौन सी तरह की मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट था, हिप ज्वाइंट, उसमें रोटेशन पॉसिबल थी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन, सारी मूवमेंट्स पॉसिबल थी। लेकिन जो एंकल ज्वाइंट है, इसकी की मूवमेंट्स हैं डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। डॉर्सी फ्लेक्शन का मतलब ये, देखें ये पांव है, अगर कोई बंदा यूं पांव ऊपर की तरफ मूव कर रहा है जैसे इसने किया हुआ है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डॉर्सी फ्लेक्शन। लेकिन अगर कोई ये एंगल इंक्रीज कर दे, पांव जमीन यूं इस तरफ मूव करे, तो दैट इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन। सो डॉर्सी फ्लेक्शन यानी पांव यहां मूव किया जाए, और प्लांटर फ्लेक्शन पांव इस तरफ मूव किया जाए। दोनों मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं की मूवमेंट से वॉकिंग में। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वॉक करके दिखाएं बगैर डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन के, पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट मूव। ओके, आप मूव नहीं कर सकते जब तक डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन नहीं कर रहे हो। एंड दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि इन एंकल ज्वाइंट की इंपॉर्टेंस क्या है जी। एंकल ज्वाइंट की इंपॉर्टेंस ये है कि इट हेल्प्स बिग टाइम ड्यूरिंग वॉकिंग। अब आपको डॉर्सी फ्लेक्शन का मेजर मसल पता होना चाहिए, टिबियालिस इंटीरियर, प्लांटर फ्लेक्शन का मेजर मसल्स हैं गैस्ट्रोक्निमस और सोलियस, जो कि बैक साइड ऑफ द फुट पे होते हैं। यानी इफ दिस इज द पर्सन, इसके पाँव को मैं एक्सटेंड करूँ, तो यहाँ एंटीरियर साइड पे जो मसल हैं वो डॉर्सी फ्लेक्शन करवाएंगे, और यहाँ पोस्टीरियर साइड पे जो मसल हैं जो कि गैस्ट्रोक्निमस और सोलियस हैं वो करवाएंगे प्लांटी फ्लेक्शन। ओके, बाय द वे एक बात, अगर कोई बहुत लंबी लंबी हील्स पहनती हैं लेडीज, तो प्लांटी फ्लेक्शन होता है या डॉर्सी फ्लेक्शन होता है? ऑब्वियसली लुक एट दीज थ्री डायग्राम्स। ये डायग्राम है, इमेजिन करें इसने बड़ी सी हील पहनी हुई है, जब हील पहनते हैं तो पाँव की ये शेप हो जाती है, और इस शेप में क्या हो रहा है, पाँव ऊपर नहीं बल्कि यू टर्न ऑफ, यू मूव कर रहा है, सो दैट्स बेसिकली प्लांटी फ्लेक्शन। सो जो लोग लंबी लंबी हील्स पहनते हैं उनका जो एंकल ज्वाइंट है वो ज़्यादातर टाइम प्लांटी फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहता है। अच्छा, इसकी वजह से डिसलोकेशन हो सकती है, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। तो ये मसल्स आपको पता होने चाहिए बॉस। इसके बाद ब्लड सप्लाई, इजी बीजी, एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल एंड पेरोनियल,
15 मेजर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, डिप्रोनियल एंड टिबियल नर्व्स। अगर ये नर्व्स डैमेज होंगी तो प्लैंटिफ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन यानी इन मसल्स का काम नहीं हो सकेगा और वॉकिंग में प्रॉब्लम होगा। ओके, सो दीज आर द प्रिंसिपल मसल्स। ऑल्सो देयर आर सम एसेसरी मसल्स इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर, बट डू नॉट फॉरगेट द प्रिंसिपल मसल्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखें, स्प्रेन ऑफ द एंकल आमतौर पे इसके लिए कहा जाता है, एंकल में पेन, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। देखो, एंकल के इर्द गिर्द यहाँ पर कैप्सूल है, तो अगर किसी वजह से कैप्सूल डैमेज हो गया या मीडियल लिगामेंट या लेटरल लिगामेंट डैमेज हो गया तो स्प्रेन हो सकता है। ओके, और ये सब कब होगा? अगर प्लैंटिफ्लेक्शन यानी रनिंग बहुत एग्जॉस्टिव है, बहुत ज़्यादा रनिंग हुई है, यानी प्लैंटिफ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, या फुट की इन्वर्जन और इवर्जन हो रही है, तो उसमें ये लिगामेंट टियर हो सकते हैं एंड दैट कैन कॉज स्प्रेन ऑफ द एंकल। डिसलोकेशन भी हो सकती है इन तमाम मूवमेंट्स की वजह से। अ लॉट ऑफ यू नो प्लैंटिफ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन, इवर्जन, इनवर्जन, दे कैन कॉज डिसलोकेशंस। ओके, एक्यूट स्प्रेन ऑफ द लेटरल एंकल व्हेन द फोर इज प्लैंटिफ्लेक्स एंड एक्सेसिवली इन्वर्टेड। स्पोर्ट्स इंजरीज हैं ये, लेटरल साइड पे डैमेज होगा और लेटरल पेन होगा इन्वर्जन में। ओके, एक्सट्रीम इन्वर्जन में, और मीडियल साइड होगा एक्सट्रीम इवर्जन में। ये एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई बंदा भाग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है और सडनली उसका पांव एंकल एरिया पे इवर्ट हो जाता है तो इंजरी कहाँ पॉसिबल है? मीडियल एंकल पे। इन्वर्ट हो जाता है तो लेटरल एंकल पे। ठीक है, अच्छा जी, ऑप्टिमल पोजिशन ऑफ द एंकल जॉइंट इज टू अवॉइड, नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर। इंजेक्शन नॉट फॉर यू, सर्जरी पड़ेंगे तब बताऊंगा। ड्यूरिंग वॉकिंग द प्लांटर फ्लेक्सर्स रेज द हील ऑफ द ग्राउंड व्हेन द लिप, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब वॉकिंग कर रहे होते हैं तो हिंज ज्वाइंट जो कि एंकल ज्वाइंट है उसमें प्लैंटिफ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन रिपीटेडली होती है। सो द वैल्यू ऑफ एंकल ज्वाइंट रिजाइड्स इन द हिंज एक्शन इन दिस टो एंड फ्रो मूवमेंट which we do during walking. So walking ke liye ankle joint, uski movements, uski ligaments, all these are very important. So that's basically all about the ankle joint. Aapse mulaqat hogi agli video mein bahut jald. Tab tak ke liye apna khayal rakhiyega. Take care of yourself.